श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय है। भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारंजल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नरनारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभूव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नवीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए
और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति का देखकर आपने वेदरूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन रावणवध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलियुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलियुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है, जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुःखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं।
भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और सहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्कयुक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिसे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।